चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लांट अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट हम बना चुके हैं, उसके बाद इनकी सभी आइटम की हम पोस्टिंग कर चुके हैं। एक मिनट, हमने प्लांट का कर दिया है लेकिन बिल्डिंग का अभी डालना बाकी है। तो जैसे हमने प्लांट किया था वैसे सेम प्रिंसिपल पे बिल्डिंग का भी ट्रांसफर करेंगे। बैंक की आइटम है नीचे से चेक करेंगे और वो हमारी यहाँ पे आएगी परचेज ऑफ बिल्डिंग। कितना है? 30,000। आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा है वैसे। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस कहीं जाएंगे नहीं, डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशन 50,000 का है। तो डेप्रिशिएशन हमारा P&L की आइटम है जो इस रूट से आएगा, यहाँ पे ही चेक होगा, यहाँ पे फुल नहीं करेगा तो इधर आ जाएगा वो। डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग वो हमें दिया हुआ है 50,000। वहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब कैश फ्लो में होता है, मैं लिख देता हूँ प्लस, और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। क्योंकि ये स्टेटमेंट किसके किसकी है? कैश की। तो कैश क्या होता है? कैश डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रिंसिपल है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसा है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। वहां पे नेक्स्ट आइटम आपके पास आती है गुडविल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऐसे। तो नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? टेंजिबल एसेट, जो कि नोट नंबर 3 में दिया हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आ रहा है टेंजिबल, गुडविल दे रखा है यहाँ पर। तो गुडविल में आप बैलेंस देख सकते हैं, ये हमारा ईयर कौन सा है? 2014। तो हमें बैलेंस उल्टे दिए हुए यहाँ पे, 2014 का बाद में दिया हुआ है और 2015 का पहले दिया हुआ है। तो ध्यान से पढ़ना इसको, 30,000 था और 20,000 हो गया। इसका मतलब क्या होता है? कई स्टूडेंट सोचते हैं इसका मतलब सेल हुआ है, ऐसा नहीं है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोले कि गुडविल सेल हुई है, तब तक आप उसको सेल नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ है? कम हो गई वैल्यू। इसका मतलब ये होता है अमोर्टाइज हो गई। जैसे टेंजिबल एसेट्स पे आप क्या करते हैं, अगर टेंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ और उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सेल माने या फिर डेप्रिशिएशन माने कि डेप्रिशिएट हो गई है ड्यूरिंग द। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहता है? डेप्रिशिएट होना, क्योंकि डेप्रिशिएशन हर साल लगती है, लेकिन सेल हर साल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिक्स एसेट नॉर्मली हर साल सेल नहीं होते। ओके, तो इसलिए तो यहाँ पे भी यही अजम्पशन लेके चला जाता है कि हम यहाँ पे मानेंगे 30,000 से कितनी होगी? 20,000। अमोर्टाइज बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट जब कम होते हैं तो डेप्रिशिएशन लगता है उनके और डेप्रिशिएट होते हैं, और जब इंटेंजिबल, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, हाँ जी, टेंजिबल एसेट्स जब डाउन होते हैं तो डेप्रिशिएट होते हैं, और इंटेंजिबल एसेट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, कॉपीराइट, ये सब होते हैं, डाउन होते हैं तो क्या करेंगे? अमोर्टाइज हुए, ना कि डेप्रिशिएट बोलेंगे। ओके सर, तो इसको भी हम सेम प्रिंसिपल पे रखेंगे। और क्योंकि यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा 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 सोचेंगे बिना किसी अकाउंट के बनाए। तो फटाफट से इसको हम कहाँ ले जाएंगे? P&L की आइटम है क्योंकि डेप्रिशिएट हुई है एक तरह से, हम लिख देंगे यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने से हुई गुडविल रिटर्न ऑफ? 30 से हो गए 20, यानी 10,000। जैसे डेप्रिशिएट होते हैं फिक्स एसेट, ऐसे ही आपके जो इंटेंजिबल एसेट हैं वो होते हैं राइट ऑफ या फिर अमोर्टाइज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आ रहा है? करंट एसेट्स आ रहे हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है बार बार बुक हटाना और बार बार दिखाना, लेकिन मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझा पाऊँ। ये जो करंट एसेट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल आना शुरू हो गया हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल है, और उसके बाद है इन्वेंट्री, और उसके बाद है कैश। तो ये हमारे करंट एसेट हैं, इनको हम जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। तो फटाफट से, अब मैं बुक हटा रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 120 के थे लास्ट ईयर, और इस साल हो गए हैं 1,60,000 के। इसका मतलब
इंक्रीज हुए हैं, ये हम कहाँ पे डालते हैं, इधर, इधर लिखते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और यहाँ पे अगर आपके करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल हमारा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है डेटर, डेटर हमारा क्या है, करंट एसेट है, तो ट्रेड रिसीवेबल ये हमारे 120 से हो रहे हैं 160, इसका मतलब ये बढ़ रहे हैं 40,000। अगर करंट एसेट हमारे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में 18,000 से हो गए 20,000, इन्वेंट्री हमारे बढ़ रहे हैं 2,000 से, तो ये भी हम करेंगे माइनस। उसके बाद आता है कैश, कैश को हम लिखते हैं सबसे लास्ट में, यहाँ पर कैश को लिखेंगे सबसे लास्ट में इधर। ओपनिंग है 15,000 और क्लोजिंग है 17,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमने एसेट साइड को कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज पर शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है। सबसे पहले देखो आप शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 दिया हुआ है, नोट नंबर 1 में जाके देखते हैं क्या इसके अंदर। तो नोट नंबर में हमारे पास दो कैपिटल हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई, इसलिए आप इनको सीधा कर सकते हैं बिना अकाउंट के बनाए। ओके, तो शुरू करते हैं आप यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल पहले पिछले साल थी 2 लाख की, इस साल हो गई है 2.5 लाख की, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने नए शेयर इशू करें 50,000 के। तो एक काम करते हैं, नए शेयर इशू करें इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, या आप लिख सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, क्योंकि इनफ्लो हुआ है, पैसा आया है, इसलिए हम, एक मिनट आपको दिखाई नहीं दे पा रहा, सॉरी, 50,000 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इनफ्लो हुआ है, कैश आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख सकते हैं आप 50,000 से 40,000 हो गई, 50 से 40, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर हमने वापस किए हैं, रिडम्पशन किए हैं, तो रिडम्पशन ऑफ, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 की रिडम्पशन हुई है, इसका मतलब आउटफ्लो है, कैश का आउटफ्लो हुआ है, हमने माइनस किया है। फिर से देखते हैं आगे क्या दे रखा है, ये नोट नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं वापस करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेबल आपको दिया, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस छूट गया, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 दिया हुआ है, नोट नंबर टू में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व दे रखे हैं आपको, जर्नल रिजर्व कितना दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व आपको दे रखा है 35 से 55,000, तो जर्नल रिजर्व कितना बढ़ा है ड्यूरिंग द ईयर 55,000, तो जब भी जर्नल रिजर्व आपका बढ़ता है या कोई भी रिजर्व आपका बढ़ता है तो आप यहाँ पे डालेंगे उसको। सबसे पहले यहाँ पे जो आइटम आती है, यहाँ पे आती है चेंज इन SPL, स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसमें कितना चेंज है वो देख सकते हैं, अभी देख लेंगे, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, इन सब के रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, कितना जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ था, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ था 35 से हो गया था ये 55, इसका मतलब 20,000 ट्रांसफ़र हुआ ड्यूरिंग द ईयर। फिर नेक्स्ट आइटम हमारे पास आती है जर्नल रिजर्व के बाद सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, 15,000 से 17,000 हो गया P&L का बैलेंस, तो ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना चेंज आया 2,000 का पॉजिटिव चेंज है।
ये पहले कितना था, 15, और अब हो गया 17। अगर ये उल्टा होता तो ये माइनस हो जाता है यहाँ पर। ठीक है सर, आगे करते हैं। फिर उसके बाद नोट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है, फिर वापस से आ जाते हैं हम। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंप्लीट हो गया। करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल दिए हुए हैं आपको, तो ट्रेड पेबल में आप देख सकते हैं बैलेंस, इसमें कोई नोट नहीं है। यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हैं 23,000 के थे लास्ट ईयर, और इस साल के एंड पर कितने हैं, 5,000 के। इसका मतलब ये हुआ 18,000 पे डिक्रीज हो गया ये। तो करंट लायबिलिटी को हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रेड पेबल, मतलब यहाँ पे हुआ 18,000 से डिक्रीज। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम ऐड करते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो हम कम करते हैं। लेकिन एसेट के साथ रिलेशन इनवर्स है, उल्टा है। तो जैसे ही करंट एसेट बढ़ेंगे तो हम माइनस करेंगे, और करंट एसेट अगर कम होंगे तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इनके रीज़न भी बाद में डिस्कस होंगे। क्या है ना, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन कराना, अभी रीज़न डिस्कस करना नहीं है, नहीं तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। इसलिए चलो यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा एसेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी खत्म हो चुके हैं। हमने सभी आइटम को वन बाय वन डील कर लिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नोट में भी कोई नोट नहीं छूटा हुआ, सभी नोट हमने डिस्कस कर लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी हमने डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग और मशीनरी पर था, यानी प्लांट पर था, वो हमने ऑलरेडी डील कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब मैं बुक को रख देता हूँ साइड और इसको मैं अब कंप्लीट करता हूँ। देखो, हमारे वर्किंग नोट में 2 एसेट ऑलरेडी क्लोज हैं, हम इनकी एंट्री की पोस्टिंग भी कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको हमें देखना है, इसका टोटल आता है 22,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉडिनरी आइटम आ गया 20,000। ये हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स कितना आएगा, 22,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22,000, और 22,000 फिर इस तरह से ऐड हम यहाँ पे करेंगे, तो ये आ जाएगा टोटल कितना, 22,000 प्लस 90,000, ये आया यहाँ पे 11,200। -40,000, -2,000 और -18,000, ये यहाँ पे आता है 52। ये यहाँ पे इसको हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ आंसर 52 ही है क्या। जी हाँ, 52 ही है। फिर उसके बाद देखते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद इसका हम टोटल देखते हैं, तो ये -30 आ रहा है। एक मिनट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 90,000 आ रहा है। एक सेकेंड, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी इसमें? ओ सॉरी सॉरी, ये भी तो माइनस के आइटम है ना, परचेज हुआ है, आउटफ्लो हुआ है कैश का। ठीक है, ये कितना आएगा, 90,000। ये 90,000 आएगा फ्रेंड। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा छोटी सी क्या बड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, माइनस में लिखना था। तो ये क्या है, आप इसको भी क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। आगे यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 40,000 पॉजिटिव फिगर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग का ये आ गया नेट, ये इन्वेस्टिंग का है, और ये फाइनेंसिंग का। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे 40
एक मिनट, ये हमारी फिगर माइनस की है, तो 40 प्लस 52, 92 माइनस 90, तो पॉजिटिव 2000 आएगा इधर, पॉजिटिव 2000 इधर आ गया आपका। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ईयर आपके पास तीनों एक्टिविटी से नेट कैश कितना आया है? 2000, आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा था 15000 और क्लोजिंग कितना हो गया? 17000। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको ये बातें कहीं पर मुश्किल लगी हैं या कहीं पर समझ नहीं आई है, तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए और आप कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।